हेलो स्टूडेंट्स ऑडिट का इस लेक्चर में आपका स्वागत है तो आज हम लोग ऑडिटिंग का इस लेक्चर में देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट्स कि जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिटिंग होता है तो कितने टाइप से ऑडिटिंग होता है तो वहीं ऑडिट्स का यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया मैंने तो यहाँ पर कुछ डायग्राम में आप लोग ध्यान से देखेंगे एकॉर्डिंग टू दी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग बांटा गया है या अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकली कि प्रैक्टिकली कैसे होता है जैसे होता है ना कंप्लीट ऑडिट या पार्शियल ऑडिट या फिर इंटरनल कैश ऑडिट या एक एक आइटम का ऑडिट तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिकली ऑडिट तो अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं तो स्टड्री ऑडिट स्टड्री ऑडिट भी होता है प्राइवेट ऑडिट होता है और इंटरनल ऑडिट और गवर्नमेंट ऑडिट इस्टडड्री ऑडिट कहने का मतलब ये होता है कि जो कंपनी के लिए खास करके अप्लीकेबल होता है जो कंपनी एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन में रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाइड है कि आपको एक साल में एक बार ऑडिटिंग मैंडेटरी करवाना है बुक्स ऑफ अकाउंट का तो उसको हम लोग स्टैंड्री ऑडिटिंग बोलते हैं प्राइवेट ऑडिटिंग में आ जाएगा कि जैसे कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इन देंस कि सोल प्रोपराइटर है पार्टनरशिप है कोई अदर इंस्टीट्यूशन है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है अनरजिस्टर्ड है वहाँ का अगर ऑडिटिंग होगा उसको क्या बोलेंगे प्राइवेट ऑडिट के अंदर में लाएंगे उसको फिर इंटरनल ऑडिट इंटरनल ऑडिट कहने का मतलब कि स्टैटरी ऑडिट नहीं है ये कंपनी अपना बुक्स ऑफ अकाउंट अकाउंटेंट द्वारा मेंटेन करवाती है और उसको एक ऑडिटर के द्वारा रेगुलर बेसिस पे चेक करवाते जाती है तो इंटरनल ऑडिटिंग वहाँ इस उस ऑर्गेनाइजेशन में करवाया जाता है बेसिकली जहाँ पर ट्रांजेक्शन न्यूमेरस ट्रांजेक्शन होता है बहुत ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम में ट्रांजेक्शन होता है कंपनी बहुत बड़ी है तो इसलिए इंटरनल ऑडिटिंग करवाया जाता है ताकि जो भी एरर्स एंड फ्रॉड का चांसेज होगा वो पहले ही डिटेक्ट कर लिया जाएगा गलती नहीं होगा ताकि स्टडरी ऑडिट में आसानी होगा गवर्नमेंट ऑडिट का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट कंपनीज का ऑडिटिंग होता है जो कि सी के थ्रू होता है ऑडिटिंग उसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑडिटिंग ठीक है अब प्राइवेट ऑडिटिंग में जैसे कि ऑडिट ऑफ सोल प्रोपराइटर ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म या ऑडिट ऑफ कोई अदर इंस्टीट्यूशन का ऑडिट हो सकता है अब बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली के अकॉर्डिंग है कंप्लीट या पार्सियल कंटिन्यूस पीरियडिक ऑडिट इंटरीम कैज या अदर कोई ऑडिट हो सकता है तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टरी ऑडिट क्या होता है हाँ तो यहाँ पर है ऑडिट स्टेटरी ऑडिट तो स्टेटरी ऑडिट क्या होता है कि सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन आर इस्टाब्लिश अंडर स्पेसिफिक लीगल इनएक्टमेंट कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होता है जो कि बिल्कुल एक्ट के तहत वो इस्टाब्लिश किया जाता है तो एक्ट के तहत इस्टाब्लिस किया जाएगा तो उसका क्या होगा सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन इस्टाब्लिस अंडर स्पेसिफिक लीगल एक्ट and their वर्किंग इज़ also governed by दी प्रोविज़न ऑफ दी enactment to टू गेट accounts अकाउंट्स ऑडिटेड फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी है तो कंपनी कैसे क्रिएटेड किए जाती है कंपनी एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन या कोई प्रीवियस लॉ के तहत तो हर एक कंपनी एक लॉ एंड रेगुलेशन के तहत चलती है उस लॉ एंड रेगुलेशन में लिखा गया एक्ट में लिखा गया प्रोविजन में लिखा गया है कि ऑडिटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट का करवाना मैंडेटरी है तो करवाना पड़ेगा हिंस, एन ऑडिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज लीगली मैंडेटरी वैसे ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट जो कि लीगली रूल द्वारा एक्ट द्वारा मैंडेटरी किया गया है अंडर एनी इनएक्टमेंट इज नोन एज स्टड्री ऑडिट और उसी को क्या बोलते हैं स्टड्री ऑडिट बोलते हैं सिंपल सा है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्पेशल एक्ट के द्वारा बनाई गई है उसके लिए ऑडिटिंग करवाना मैंडेटरी है किसके द्वारा लॉ के द्वारा उसी ऑडिट को क्या बोलते हैं स्टरी ऑडिट बोलते हैं स्टरी का मतलब सिंपल लॉ रूल्स रेगुलेशन एक्ट इन सच एंड ऑडिट द स्कोप ऑफ द ऑडिट द क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर द राइट्स ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर द रेमोनरेशन ऑफ दी ऑडिटर एंड अदर ऑडिट रिलेटेड मैटर्स आर यूजली स्पेसिफाइड इन दिन एक्टमेंट और उस बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यानी जहाँ पर स्टेटरी ऑडिट कंपलसरी है कंपनी के लिए वहाँ पर ऑडिटर का राइट ड्यूटीज अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन पावर सब कुछ असाइन होगा लॉ के द्वारा ओके क्लियरली समझ पा रहे हैं कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक कर देंगे और अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कर देंगे ताकि वो भी रांची यूनिवर्सिटी का हो तो अच्छा से पढ़ाई कर सके इस लॉकडाउन में फिर आगे इन रिलेशन टू अ स्टडी ऑडिट द रिलेटेड इनैक्टमेंट इनैक्टमेंट कैन नॉट बी अल्टर्ड बाई एनी एग्रीमेंट और जो एक्ट में लिखा गया है ना उसको ऑडिटर या फिर कंपनी मिल कर के अल्टर नहीं कर सकती है अगर रूल में लिखा गया है कि वेरिफिकेशन करना है स्टॉक का तो ऑडिटर और मैनेजमेंट मिल कर के घपला नहीं कर सकता है ये नहीं बोल सकता है कि नहीं ये राइट नहीं दिया जाएगा इसको करने का तो जो लॉ में लिखा गया है वो तो करना ही है भले एक्स्ट्रा कुछ कर सकते हैं कम नहीं कर सकते उसी चीज़ को क्या बोलते हैं स्टैटोरी ऑडिट मैंडेट्री फॉर दॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन टू गेट देयर अकाउंट ऑडिटेड वैसे वैसे जगह पे ऑडिटिंग मैंडेटरी किया गया है कहाँ पर पहला है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दू थाउजेंड थर्टीन और एनी प्रीवियस एक्ट यानी जो कंपनी एक्ट उन्नीस सौ छप्पन में दो हजार तेरह में सॉरी यहाँ पे दो हजार तेरह होगा दो सौ तेरह दिख रहा वहाँ पर जो रजिस्टर्ड कंपनी है उसको एनी हाउ कंपनी का ऑडिटिंग करवाना मैंडेटरी है दूसरा है बैंकिंग कंपनीज कवर्ड अंडर द बैंकिंग एक्ट नाइनटीन फोर्टी नाइन जैसे बैंकिंग कंपनी देखते हैं ना इलाहाबाद बैंक हो गया सिटी बैंक हो गया या जो भी आईसीआईसीआई एचडीएफसी बैंक हो गया तो वैसे बैंकिंग कंपनी को जो नाइनटीन फोटी नाइन एक्ट है कंपनी एक्ट बैंकिंग के लिए उसमें रजिस्टर्ड जो बैंकिंग है उसको इस एक्ट के तहत स्ट्रेटरी ऑडिट करवाना होता है इंश्योरेंस कंपनी है तो इंश्योरेंस एक्ट आई के थ्रू चलता है नाइनटीन थर्टी एट के तहत तो उसमें भी मैंडेट्री यानी इंश्योरेंस कंपनी को भी बैंकिंग कंपनी को भी और जॉइंट स्टॉक कंपनी को भी मैंडेटरी है कोऑपरेटिव सोसाइटी जो रजिस्टर्ड है उसको भी ऑडिटिंग करवाना एक साल में एक बार मैंडेटरी है पब्लिक एंड चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर वेरियस इन एक्टमेंट रिलेटेड टू रिलीजन सिंपल ये समझिए एनजीओ ट्रस्ट सोसाइटी ये सब को भी ऑडिटिंग करवाना मैंडेटरी है लोकल गवर्नमेंट्स एंड लोकल अथॉरिटीज़ को भी जैसे कि रांची म्यूनसिपल कॉरपोरेसन या कोई भी कॉरपोरेशन है तो उस ऑर्गेनाइजेशन का भी ऑडिटिंग करवाना मैंडेटरी हो जाता है पब्लिक ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर द पब्लिक ट्रस्ट कोई भी पब्लिक ट्रस्ट है पब्लिक यूटिलिटी के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया लेकिन वो रजिस्टर्ड है ऑर्गेनाइजेशन तो उसका भी ऑडिटेड होना मैंडेटरी होता है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं स्टेटरी ऑडिट बोलते हैं फर्दर प्राइवेट ऑडिट आप देख लेते हैं पहले क्या था स्टेटरी ऑडिट देखे देखे हम लोग तो स्टेटरी ऑडिट किसके लिए था जहाँ पर कोई एक्ट अप्लीकेबल होता है वो एक्ट बोलता है कि नहीं आपको ऑडिट करवाना मैंडेटरी है वहाँ पर स्टेटरी ऑडिट अप्लाई होता है लेकिन प्राइवेट ऑडिट प्राइवेट ऑडिट का मतलब क्या दी अकाउंट्स ऑफ द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच आर नॉट अंडर एनी लीगल कंपल्सन टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड इज नोन एज प्राइवेट ऑडिट यानी वहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई एक्ट या लॉ नहीं बोलता है कि आप ऑडिट जरूर करवाइए यानी वैसा जगह जहाँ पर लॉ नहीं है कोई की बोलता है कि कंपलसरी आप ऑडिट करवाइए वहाँ पर अपने मन से ऑडिटिंग करवा रहे इच्छा के अनुसार वैसे ऑडिट को क्या बोलते हैं प्राइवेट ऑडिट तो वैसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है बताइए बताइए जल्दी बताइए तो ऑडिट फॉर ऑडिट ऑफ अ सोल ट्रेडर्स अकाउंट सोल प्रोपराइटर होता है ना जिसका मालिक अकेला है बिजनस मैन वहाँ पर कोई एक्ट ही नहीं है एक्ट नहीं है उसका ऑडिट करवाना कंपलसरी नहीं है लेकिन अगर ऑडिट मन किया बिजनस मैन का तो करवा लिए तो उसको प्राइवेट ऑडिट बोलेंगे ऑडिट ऑफ दी पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्ट तो है नाइनटीन थर्टी टू लेकिन नाइनटीन थर्टी टू में कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया कि ऑडिटिंग करवाना कंपलसरी है किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट का किसी भी साल में तो कंपलसरी जब नहीं किया गया है तो अपने अकॉर्डिंग पार्टनर्स अगर चाहते हैं तो ऑडिटिंग करवा लेते हैं तो उसको क्या बोलेंगे प्राइवेट ऑडिट बोलेंगे क्लियर हो रहा सारा चीज़ें ऑडिट ऑफ अदर इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन जैसे अदर कोई इंस्टीट्यूशन है एनजीओ टाइप का लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है एनजीओ के तहत ऐसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है इनकॉर्पोरेटेड नहीं है वहाँ पर भी अगर लोग चाहता है कि ऑडिट करवा लें तो भी ऑडिटिंग हो सकता है वहाँ पर कंपलसरी नहीं है लेकिन ऑप्शनल है तो वैसे ऑडिटिंग को भी प्राइवेट ऑडिटिंग बोलेंगे तो प्राइवेट ऑडिटिंग में कितना आया तीन सोल प्रोप्राइटर का पार्टनरशिप का या कोई अदर इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन का अब इसके बाद देख लेते हैं गवर्नमेंट ऑडिट गवर्नमेंट ऑडिट का मतलब क्या हुआ कि जो भी गवर्नमेंट कंपनीज है गवर्नमेंट कॉरपोरेशन है उसका ऑडिटिंग होना गवर्नमेंट ऑडिटिंग कहलाता है तो देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट ऑडिट द ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशन इज नोन एज गवर्नमेंट ऑडिट कोई भी गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट का जैसे रेलवे डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट हो गया कोई रेलवे कंपनी हो गया गवर्नमेंट का उसका अगर ऑडिटिंग होता है उसको क्या बोलते हैं गवर्नमेंट ऑडिट बोलते हैं द गवर्नमेंट मेंटेन्स ऑन एन अकाउंट एंड ऑडिट डिपार्टमेंट फॉर ऑडिटिंग द अकाउंट्स ऑफ ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स दी चीफ़ ऑफिसर ऑफ दिस डिपार्टमेंट इज़ दी कंपट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया याद कीजिए हम बताए थे पिछले क्लासेज में सब बताए होंगे सी ए जी जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग सी ए जी कैग यानी कंपट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वो ऑडिटिंग करता है एंड ही इज अपॉइंटेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और जो सी ए जी होता है सिंपल से समझिए फिर से बता दे रहे हैं गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट कॉरपोरेशन या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जो ऑडिटिंग होता है उसको क्या बोलते हैं गवर्नमेंट ऑडिटिंग बोलते हैं और गवर्नमेंट का ऑडिट कौन करता है सीए करता है क्या नहीं कौन करता है सीएजी सीएजी का मतलब क्या कंपट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और ऑडिट सीएजी uh, को अपॉइंट कौन करता है जो आपके देश के राष्ट्रपति होते हैं यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो अपॉइंट करते हैं तो यहाँ तक पूरा अंदर का आर्टिकल सब पढ़ना ज़रूरी नहीं है यहाँ तक समझ में आया तो बहुत बढ़िया है आगे बढ़ते हैं अब बात कर लेते हैं इंटरनल ऑडिट इंटरनल ऑडिट का मतलब क्या नाम से ही पता चलता है कि इंटरनल यानि इंटर का अंदर का ऑडिटिंग करवाना जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें एक ऑडिटर रख दिया जाता है जो कि रेगुलर बेसिस पर चेक करता है ऑडिटिंग करता है ये देखता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट कहीं एरर ना हो गलती ना हो फ्रॉड ना हो पहले ही वो पता चल जाए जो भी गलती होगा डिटेक्ट हो जाए तो वैसे ऑडिटिंग को इंटरनल ऑडिट बोलते हैं आइए पढ़ते हैं इसमें कुछ सम इंस्टीट्यूशन आर ऑर्गेनाइज इन सच अ वे दैट लाइक अदर इम्प्लॉयज़ इट ऑल्सो अपॉइंट ऑडिटर्स एज इट्स एम्प्लॉयज़ दिस इज यूजली ड्यू टू द रीजन दैट दर्गेनाइजेशन थिंग्स इट नेरी टू अपॉइंट ऑडिटर्स एज इम्प्लॉइज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्रॉड एंड एर एंड मेनुपलेसन ऑफ अकाउंट यानी कि ये जो इंटरनल ऑडिट होता है ना इसके लिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन का ज़रूरत नहीं है कि जो सी ए रहेगा वही ऑडिट करेगा कंपनी का स्टेटरी ऑडिटिंग कौन करता है कंपलसरी है कि सी ही करेगा दूसरा पर्सन नहीं कर सकता है और सी वो भी कौन जो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है प्रैक्टिस में सी जो ऑफिस खोल के बैठा है वही सी ऑडिट करेगा दूसरा कोई भी ऑडिटिंग नहीं कर सकता स्टेटरी ऑडिट में लेकिन इंटरनल ऑडिटर में एक सी भी हो सकता है कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है कंपनी का, का रिलेटिव भी हो सकता है कोई भी हो सकता है तो इंटरनल ऑडिटिंग होता है तो कंपनी इसलिए करवाती है ताकि कोई भी फ्रॉड या एरर या कोई भी मैनुपलेसन लग रहा है कंपनी को कि हो रहा कंपनी में तो कंपनी एक इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट कर देती है और इंटरनल ऑडिट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है ऑडिटिंग करने के लिए मैनेजमेंट जबकि स्ट्रेटरी ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है शेयर होल्डर तो ये भी दोनों में डिफ्रेंसेज है याद रखेंगे दीज ऑडिटर आर परमानेंट ऑडिटर एंड रिसीव सैलरी लाइक अदर एम्प्लॉय और ये फीस इसको नहीं मिलता रेमोनरेशन कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे रेगुलर एक एम्प्लॉय की तरह ही होता है इसको भी अदर अकाउंटेंट की तरह अदर एम्प्लॉय की तरह क्या मिलता है सैलरी मिलता है बाई इट्स एम्प्लॉय अपॉइंटेड इन दैपेसिटी ऑफ ऑडिटर इज नोन एज इंटरनल ऑडिटर ऑडिट पीपल पजेजिंग ऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन हुईड एज अकाउंट्स कैन डू दिस वर्क यानी जो जिसको नॉर्मली ऑडिटिंग का या फिर अकाउंट्स का टैक्सेशन लॉ का जानकारी है लेकिन जरूरी नहीं है कि सी ए हो नॉन सी ए भी कोई सी ए नहीं है लेकिन सब का जानकारी है वो भी इंटरनल ऑडिटर बन सकता ऑडिटिंग कर सकता उसको बोलते हैं इंटरनल ऑडिटिंग ये जनरली इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अप्लाई करने के लिए किया जाता है इंटरनल ऑडिट अब बात कर लेते हैं एकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली के बेसिस पे जैसे कि ये सब था ना जो चार्ट हम लोग देखे थे चार्ट में क्या था एक था आपका अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन तो ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग देख चुके स्टेटरी देखे प्राइवेट देखे इंटरनल देखे गवर्नमेंट देखे अब देखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकली जैसे कि कंप्लीट हो गया पार्शियल कंटिन्यूस पीरियड ये सब के बेसिस पे तो अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकली में क्या है पहला है कंप्लीट ऑडिट कंप्लीट ऑडिट कहने का मतलब कि पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट होगा भाउचर वेरीफिकेशन जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस एवरीथिंग विल बी गेटिंग ऑडिटेड सब कुछ ऑडिटिंग होगा उसको बोलेंगे कंप्लीट ऑडिट इफ़ ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रिलेटिंग टू स्पेसिफिक पीरियड एक स्पेसिफिक पीरियड का जैसे एक अप्रैल दो हजार उन्नीस से लेके इकतीस मार्च दो हजार बीस तक जो भी होगा एक साल का हर कुछ चेकिंग किया जाएगा जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस सब कुछ फिनंशियल स्टेटमेंट नोट नोट्स टू अकाउंट उसको बोलते हैं हम लोग कंप्लीट ऑडिट पार्सियल ऑडिट किसको बोलते हैं पार्सियल ऑडिट का मतलब ये होता है कि जो कुछ पार्ट का ही ऑडिटिंग होगा स्पेसिफाइड पीरियड में कुछ पार्ट का ही ऑडिट होगा जैसे हमको ऑडिट करवाना है कि सिर्फ कैश का कि सिर्फ कैश बुक ऑडिट कर दो पैसा कहाँ से आया कहाँ गया सब कुछ सही बना है कि नहीं बना है कैश बुक का कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑडिट कर दो और कोई चीज़ का ऑडिटिंग नहीं करना है तो ये क्या हुआ पार्शियल ऑडिट हुआ ना फिर एक कंटिन्यूस ऑडिट कंटिन्यूस ऑडिट में क्या होता है कि रेगुलर बेसिस पे ऑडिटिंग चलते रहता है लगातार ऑडिटिंग चलता है लिखा हुआ यहाँ पे दी एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बाय दी ऑडिटर थ्रू द ईयर और एट इरेगुलर और रेगुलर इंटरवल इज नोन एज कंटिन्यूस ऑडिट खास करके बैंकिंग कंपनीज में ज़्यादातर होता है और बड़ी बड़ी कंपनी में भी ये कंटिन्यूस ऑडिट होता है जस्ट लाइक अ इंटरनल ऑडिट की तरह होता है इसमें क्या होता है ऑडिटर लगातार साल भर काम करता है बीस बीच में कभी एक महीना पे कभी डेढ़ महीना पे कभी पंद्रह दिन पर कभी पाँच दिन पर ही रेगुलर या इ रेगुलर इंटरवल पर कंपनी में आते जाता है और ऑडिटिंग करते जाता है क्यों कंटिन्यूस ऑडिटिंग करवाया जाता है क्योंकि बड़ी कंपनी है या बैंकिंग कंपनी है तो वहाँ पर कैश का ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होता है बैंकिंग कंपनी करती क्या है सिर्फ बैंकिंग कंपनी में पैसे का ही तो लेन देन होता है ट्रांजेक्शन होता है तो उसमें कोई एरर ना हो फ्रॉड ना हो इसके लिए कंटिन्यूस ऑडिट करवाया जाता है ताकि कोई भी एरर और फ्रॉड होगा तो तुरंत डिटेक्ट हो जाएगा और साल अंत होने के बाद बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने में कोई परेशानी नहीं आए और बाद में उसका ऑडिटिंग करने में भी बहुत जल्दी ऑडिटिंग हो जाए इसीलिए कंटिन्यूस ऑडिटिंग होता है अंदर का टर्म जो है पढ़ लीजिएगा हम सिर्फ समझा दे रहे हैं यही काफ़ी है हालांकि कंटिन्यूस ऑडिट में एक क्लास और हम लगाने वाले हैं कंटिन्यूस ऑडिट भी इम्पॉर्टेंट है इसको एक क्लास में और हम लोग सीखने वाले हैं अब बात कर लेते हैं सुटेबिलिटी या पीरियड ऑडिट पीरियोडिकल ऑडिट पीरियोडिकल पिरियो, ऑडिट में क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि आपका एक साल का ही ऑडिट हो तीन महीने का हो सकता है नौ महीने का हो सकता है एक साल का डेढ़ साल का दो साल का भी हो सकता है डिटेल इन्वेस्टिगेशन भी हो सकता है जैसे होता है ना कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि इनकम टैक्स का छापा मरा है पड़ा है किसी कंपनी में ई का छापा पड़ा है तो क्या होता है उसमें इन्वेस्टिगेशन होता है तो उसमें हो सकता है कि ऑडिटर को अपॉइंट किया जाए कि तुम ऑडिटर ऑडिटिंग करो तुम टैक्स और लॉ और अकाउंट का एक्सपर्ट हो तुम ऑडिटिंग करके दो इसी एरिया में इस एक इस स्पेसिफिक एरिया में ऑडिटिंग करना पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट का नहीं वो पीरियड कुछ भी हो सकता है जितना टाइम लगता है लगने दो लेकिन तुम करके दो अगर ऐसा बोला जाता है तो वैसे ऑडिटिंग को पीरियडिकल ऑडिट बोलते हैं तो आज के लिए इस क्लास में अच्छा एक और है अंतरिम ऑडिट वेन द बुक्स ऑफ अकाउंट आर ऑडिटेड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस या फिनंशियल ईयर मतलब कभी भी जब जरूरत पड़े ज़रूरत पड़ा कि नवंबर में ऑडिटिंग करवा लेते सिर्फ नवंबर का तो नवंबर का करवा ली इसको क्या बोलते हैं अंतरिम मतलब कभी भी इसको अंतरिम ऑडिट बोलते हैं तो आज का इस वीडियो लेक्चर में इतना ही मिलते हैं अगले क्लास तो ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को और शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ थैंक यू सो मच